कलाम आला हजरत पेश करूँगा। और आला हजरत का ये कलाम जो है ये मकबूल बारगाह कलाम है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारा ये महफिल जो है ये भी मकबूल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुए एक रात बैठे रहे वहाँ पे, दरूद पाक की कसरत करते रहे हुजूर की मवाज शरीफ के सामने, तो दीदार नसीब नहीं हुआ। आपके दिल में तड़प पैदा हुई कि हुजूर जो है मुझे सर की आंखों से दीदार फरमाए, कि मुझे हुजूर का दीदार सर की आंखों से नसीब हो। तो एक रात गुजर गई, दूसरी रात आपने ये कलाम लिखा और हुजूर की बारगाह में जाकर ये कलाम पेश किया, तो हुजूर ने कबूल फरमाया और सर की आंखों से आला हजरत ने हुजूर का दीदार किया। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और आला हजरत ने भी ये कलाम लिखा और ये बहुत ही मकबूल कलाम है। तो आला हजरत फरमाते हैं, वो सुए नज़र फिरते हैं, वो सुए अल्लाह।
پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ اے بھائی انسان تو اپنی آخرت کو بھول گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی آخرت کو یاد کرو کہ ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے, آخر موت ہے. تو اعلیٰ حضرت غفلت میں پڑے انسان کو بتا رہے ہیں کہ غفلت کو چھوڑو اور اس طرف لگو سرکار کی طرف, سرکار کے فرامین کی طرف, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگو. آپ فرماتے ہیں ہائے Yeah.